आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 करेंगे। सबसे पहले अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या आप लोगों ने सॉल्यूशंस किए? नहीं करे? ये इसका व्यापक हल ज्ञात करना है आपको। डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर कर देते हैं। वाई की जगह पर वाई या पी की वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस वन। क्यू की वैल्यू यहां पर है कॉस एक्स। इसके बाद हमने पी और क्यू निकाल लिए, फर्स्ट स्टेप पार हमारी। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको आई एफ कैलकुलेट करना है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ पी की जगह पर माइनस वन और डी एक्स, माइनस और डी एक्स, पी की जगह पर माइनस वन है ना, तो ई टू द पावर माइनस और डी एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? एक्स। तो बेटा ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। अब अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसके तुरंत बाद हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मेट का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, y की जगह पर y, आई एफ की जगह ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहां पर क्यू की जगह पर कॉस एक्स, आई एफ ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। हम देख रहे हैं इसमें त्रिकोणमितीय फलन है, एक चर घातांकी फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल। और याद करें, ऐसा फलन होने पर आप आई मान के सॉल्व करते थे, क्योंकि डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम आई मानकर सॉल्व करते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर वन रखे रहो, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहां पर लिख दिया, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये आगे पीछे हो गया, उसमें गुणा में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्या आप बता सकते हैं इसमें किसको प्रथम और किसको द्वितीय माना जाए? आई लेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट और इसको सेकंड। आई लेट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो प्रथम द्वितीय से सॉल्व करें इसे। ये फॉर्मूला लगेगा, पहला फलन दूसरे का समाकल, e टू दी पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, माइनस साइन एक्स, दूसरे का अवकल गुणांक, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू ये माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा वन टू थ्री माइनस यहां पर है और तीनों मिलकर ये माइनस ही बनाएंगे, ये फिर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। और इसे कैलकुलेट करना होगा हमको, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस। इसमें भी बेटा इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, तो फॉर्मूला इसमें भी वही अप्लाई करना होगा हमको, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र, पहला फलन दूसरे का समाकल, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकल गुणांक साइन एक्स का अवकल गुणांक कॉस एक्स, दूसरे का समाकल माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। I इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स,
ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो बेटा ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा लेकिन ये वाला इसको फिर माइनस कर देगा, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखें बउआ, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, तो हम इसको इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आई लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इन दोनों से e टू द पावर माइनस एक्स आप कॉमन कर सकते हैं। अगर हम e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जिसमें से हम साइन एक्स पहले लिख लेते हैं, माइनस कॉस एक्स बाद में, और माइनस ये पूरी किसकी वैल्यू है, आई, ये आई आके इधर जुड़ जाएगा टू आई, फिर उस टू आई में से टू हम उधर भेज देंगे, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, ये आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई मतलब इसकी वैल्यू आ गई, और इसी का हमें इंतजार था, ये यही चीज यहां लिखा हुआ है पूरा, कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो हम अब करेंगे जो इसकी वैल्यू आई है ये हम इसकी जगह पर पुटअप कर देंगे, इसलिए समीकरण एक से y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये पूरा आई है और आई की वैल्यू ये आई है, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन टू प्लस सी, बस ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब आप बताएं क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आ पाया भाई, आया समझ में? तो इंटीग्रेशन का मेथड अगर आपको मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटीग्रेशन केवल यहां पर आपको आना चाहिए, बस नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, लिखा हुआ है अवकल समीकरण x d dx of y, x d dx of y प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वेयर, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, का व्यापक हल ज्ञात करिए। आपको इसका भी व्यापक हल निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब उसमें क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने होने चाहिए, तो इस सवाल में कि कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होने चाहिए, सबसे पहले ये देखो कि कितने ऑर्डर की इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट ऑर्डर की, तो एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी आना चाहिए, पिछली वाली में एक ही आया है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में बनाओ, हम x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, कर सकते हैं क्या, x से यहां डिवाइड किया तो x कैंसिल, यहां किया तो 2 अपॉन x, यहां कर दिया तो x बच गया। अब आप ध्यान से देखें इसकी तुलना आप किससे करवाओगे, जनरल फॉर्म से, विच इज डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, कंपेयर करने पर क्या मिला, p की वैल्यू आपको 2 अपॉन x और q की वैल्यू x, y का गुणांक p, y का गुणांक 2 अपॉन x, तो p 2 अपॉन x और q की जगह पर x मिल गया हमको। इसके तुरंत बाद हमको अब क्या करना रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if फाइंड करना होगा, क्या होता है फॉर्मूला, e टू द पावर p इंटू डी एक्स, p की जगह पर p की वैल्यू 2 अपॉन x, 2 अपॉन x इंटू डी एक्स, कर सकते हैं 2 अपॉन x और dx भी लिख दिया। क्या आप बच्चों को ये याद है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 2 तो हमने ये लिख दिया और ये होगा log x टू द बेस e, ठीक है। और देखें बेटा e टू द पावर, देखो बेटा ये n log m है, n log m का फॉर्मूला बताएं,
log m टू दी पावर n, ये नंबर इसकी पावर बन जाएगा, तो log x स्क्वेयर टू द बेस e। और अब थोड़ा सा जरा याद करें, कल भी पिछली क्लास में भी ऐसी एक सिचुएशन आई और हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर ये घातांक का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वेयर, केवल बस ये नंबर या इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया if। अब हमने आगे सॉल्यूशन तक जाना है। आप सभी जानते हो इस फॉर्मेट का सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। वाई आई एफ की वैल्यू बेटा x स्क्वेयर आई है, इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर x, आई एफ की जगह पर x स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस सी, देन y इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बेटा क्या बन गया, x क्यूब। और x क्यूब का समाकलन करने जाओगे तो वो आ जाएगा x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाया ना आपने, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप चाहो तो 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। समझ नहीं आया? और अगर देखा, मैंने अभी आंसर में देखा इसके एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर उधर भेज रहे हैं, भेज दो एक्स स्क्वायर गुणा में वहां जाके भाग में, तो एक्स स्क्वायर जब यहां भाग में आएगा तो एक्स स्क्वायर से इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, फिर एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में आएगा तो ऊपर जाने पर उसकी पावर कैसी हो जाएगी, ये आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है आपका आंसर। एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये एग्जाम्पल हमने 20 लगाया है और अब एग्जाम्पल 21 करेंगे। अवकल समीकरण दी गई है वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस डी टू वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो का व्यापक हल ज्ञात करिए। एक बार फिर से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है और आपको इसका जनरल सॉल्यूशन पता लगाना है। फिर से सबसे पहले क्या करना है, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जनरल फॉर्म में, हमने कोशिश किया तो इस बार ये डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म नहीं बन पा रही है, लेकिन हम चाहें तो डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म बना सकते हैं, बना लेते हैं। कैसे, इसको पहले उधर भेज दीजिए आप, तो वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वेयर डी वाई। ठीक है, फिर बेटा डी वाई को यहां ले आओ, वाई को वहां भेज दो, तो अब आपको ये क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, तो जब ये वाई जाएगा बउआ इधर, इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा तो क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। जब ये इसके अपॉन में जाएगा तो न सिर्फ यहां जाएगा बल्कि इसके एक पावर कैंसिल भी करेगा, तो यहां क्या बचेगा, टू वाई। समझ आ गया सबको? अब इस टर्म को इधर लेते आइए, तो ये मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बेटा ये, और हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वाई इंटू एक्स, वन अपॉन वाई इंटू एक्स, और इक्वल के उस तरफ क्या बना रहेगा, टू वाई। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया आपने, अगर ये जनरल फॉर्म में आ गया तो हम किससे कंपेयर कर देंगे इसकी, हमारी इक्वेशन है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इससे तुलना करवाओ, तो एक्स की जगह पर एक्स है, पी की जगह पर माइनस वन अपॉन वाई, देयर फोर पी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई एंड इन प्लेस ऑफ क्यू
टू वाई इज प्रेजेंट हियर. ओके, सो वी हैव क्रॉस्ड अवर फर्स्ट स्टेप. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आई एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए आई एफ का, ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई. ठीक है, फॉर्मेट चेंज हो गया ना बेटा. इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन वाई और उसके साथ डी वाई, ए टू द पावर माइनस वन अपॉन वाई को डी इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, लॉग वाई टू द बेस ई. इसको बेटा फिर से आप देखो, इस लॉग के आगे कौन है, माइनस वन, तो एन लॉग एम का फॉर्मूला फिर बना, ये पावर में चला जाएगा फिर से, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लॉग वाई टू द पावर माइनस वन इंटू एट टू द बेस ई. ये बात नहीं समझ में आती बउआ, हमने बेटा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया है, इज इक्वल टू लॉग एम टू द पावर एन. लॉग के आगे का नंबर इसकी पावर में भेज सकते हैं, तो इसके आगे माइनस वन था, हमने इसकी पावर में भेज दिया माइनस वन. अब इसमें क्या बचेगा बताओ, घातांक और लॉग दोनों के बेस इक्वल है, वैल्यू क्या बचेगी, वाई टू द पावर माइनस वन, और वाई टू द पावर माइनस वन को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन वाई. एनी प्रॉब्लम है व्यू? ओके, साफ कर दे रहे हैं अब इसको हम. अब आप सॉल्यूशन करोगे, ये जो फॉर्मेट है इसका सॉल्यूशन आपको बताया गया था, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी. x की जगह पर x, आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू 2 वाई, आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन y इंटू डी वाई प्लस सी. एक्स अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसल, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, डी वाई का इंटीग्रल क्या होगा वाई प्लस सी. अगर आप चाहें तो वाई उधर भेज सकते हैं. ठीक है, किस तरह से आंसर दे रहे हैं, वाई भेजा जा रहा है, भेज दीजिए उधर जाएगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वाई स्क्वेयर प्लस सी वाई. दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 21. आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम है अभी तक आपको? ठीक है, नोट करना है नोट करिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22. एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कॉट एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए. दिया हुआ है कि वाई इज इक्वल टू जीरो यदि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू. y इज इक्वल टू जीरो यदि x इज इक्वल टू पाई बाई टू. इस बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, विशिष्ट हल चाहिए, क्योंकि यहां कंडीशन दी है उन्होंने. चलिए फिर से सोल्यूशन करते हैं, और शायद अब आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट में बना ही है, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आपको कंपेयर करना है. इससे तुलना करवा के बताएं हमको कि P और Q की वैल्यू कितनी है. Y की जगह Y है तो P की वैल्यू cot X, Q की जगह पर ये पूरा 2X प्लस X स्क्वेयर cot X. ठीक है, अब एक स्टेप हमने पार कर ली, दूसरी स्टेप के लिए क्या करना है बताएं. आई एफ ज्ञात करना है, आई एफ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स.
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स. क्या किसी बच्चे को याद है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स. वेरी गुड. अब फिर से बताएं e टू दी पावर लॉग एक्स टाइप का फंक्शन है, वैल्यू बताएं इसकी क्या आएगी. लगातार दो क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं हम लोग. कितनी वैल्यू साइन एक्स. और अगर आपको कुछ ऑड लग रहा है तो यहां e बना लो. ठीक है. अच्छा भाई आई एफ भी निकाल लिया हम सभी ने. अब दो स्टेप्स क्रॉस हो गई, ओनली थर्ड स्टेप इज रेस्ट हियर, तो उसको भी कर लेते हैं. सॉल्यूशन फॉर्मूला लगेगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस c. y आई एफ की जगह पर साइन x इंटीग्रेशन ऑफ q, q की जगह पर ये लिखना है बेटा आपको 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कॉट x. और आई एफ ये किसकी जगह पर लिखा है, ये तो q आई एफ की जगह पर साइन x इंटू डी एक्स प्लस c. देखो बेटा मल्टीप्लाई करवाओ साइन x डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर साइन x डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाओ. ये 2x इंटू साइन x डी एक्स 2x इंटू साइन x डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कॉट x इंटू साइन x डी एक्स प्लस c y इंटू साइन x. यहां पर बेटा ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x डी एक्स प्लस इस cot x को बेटा क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन x. वो अपॉन साइन x इस साइन x को कैंसिल कर देगा, तो यहां पर कितना बच जाएगा x स्क्वेयर इंटू cos x डी एक्स प्लस c. नहीं समझ में आई बात आपको, यही तो बचेगा. अच्छा अब ये दो फंक्शन बेटा आपके ऐसे हैं ना, इनमें से किसी एक का इंटीग्रेशन करो तो दूसरा अपने आप कैंसिल हो सकता है. तो हम एक काम करते हैं किसी भी एक का कर दो जिसकी आपकी मर्जी हो. टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकेंड मान लो. ठीक है फर्स्ट और सेकेंड. अब फॉर्मूला अप्लाई करिए. क्या फॉर्मूला होता है, प्रथम फलन दूसरे का समाकल कॉस एक्स का समाकल साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशियंट दूसरे का समाकल साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी. और अब आप बेटा देखो आपको नहीं लग रहा ये और ये टर्म बिल्कुल सेम हो गया, तो इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया बिकॉज दिस इज प्लस दिस इज माइनस एंड द मैग्नीट्यूड्स आर सेम. अभी क्या वैल्यू बचेगी, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सी. अब आप चाहें तो साइन एक्स भाई वहां भेज दें, आंसर देख लो कैसे दे रहे हैं. अच्छा अभी कंडीशन भी अप्लाई करनी है भाई हमको, ये कंडीशन दी है ना बेटा इसमें, ये कंडीशन भी अप्लाई करना है. चलो इसको एक इक्वेशन मानकर आप कंडीशन पे आ जाते हैं. कंडीशन में है y इज इक्वल टू जीरो यदि x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो इसमें y की जगह 0 x की जगह पाई बाई टू लिखो. y की जगह पर 0 x की जगह पर पाई बाई टू एक्स स्क्वेयर x की जगह पर पाई बाई टू. देखो भैया x की जगह पाई बाई टू लिखोगे
और उसके बाद स्क्वायर भी तो करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन एक्स की जगह पाई बाई 2 प्लस सी, दिस टर्म विल बिकम 0। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू बताएं, 1, 1 को पाई स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई किया, पाई स्क्वायर बाई 4 उसको उधर भेज दूं, तो यहां 0 है ये इधर आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। नहीं समझ में आया भाई, आ रहा है सबको? ये कितना हो गया बताओ, चाहिए कितना हो जाएगा टोटल, 0। साइन 90, 1 का पाई स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई, अब ये इधर ले आए तो माइनस नहीं हो गया, अभी c की वैल्यू, और ये c की वैल्यू यहां अप्लाई कर दो। समीकरण 1 से एक नंबर इक्वेशन है, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और c की जगह पर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अब इसके बाद अगर डिवाइड किया जा रहा है तो आप कर सकते हो, नहीं तो यहीं से छोड़ दो तो भी आपका आंसर सही है। पूरी इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड कर दो, साइन एक्स से डिवाइड करोगे ये कैंसिल, यहां साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो कैंसिल माइनस, और बेटा जब यहां साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो अपॉन में आएगा साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया। समझ नहीं आया आप सभी को? एग्जाम्पल नंबर 23 पे लिखा हुआ है बिंदु 0.1, बिंदु 0.1 से गुजरने वाले एक बिंदु है जिससे एक वक्र गुजरता है, वो एक पॉइंट हमको दिया गया है 0.1। बिंदु 0.1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। कैसे वक्र का, उसकी शर्त सुनिए, यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक अर्थात भुज तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक अर्थात कोटि के गुणनफल के योग के बराबर है, यह कंडीशन है, और आपको उस वक्र की इक्वेशन चाहिए। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट हमने नोट कर लिया है, जो भी वक्र है आपका वो इस पॉइंट से पास होता है। इसमें अब फिर से हम आगे पढ़ते हैं, आप गौर से सुनिए, यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, उन्होंने बोला वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता। अब फिर और आगे पढ़ते हैं, उस बिंदु के x निर्देशांक यानी कि भुज, तो उस बिंदु का x निर्देशांक हमने लिख दिया भाई, देखते रहना जैसा वो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक, तो इस बिंदु का x निर्देशांक कितना है, x लिख दिया हमने, तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल, फिर x निर्देशांक और y निर्देशांक का गुणनफल भी करना है, इसको भी कर दिया भाई हमने, के योग के बराबर है, बन गई। तो समझ नहीं आया लेकिन ये क्या कंडीशन दी गई हमें, कि वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक अर्थात x और x निर्देशांक तथा y निर्देशांक का गुणनफल, तो x निर्देशांक और y निर्देशांक का गुणा करा दिया, के योग के बराबर है, बस इतना सा दिया। अब अगर बेटा आपको याद है तो क्या आपको याद है कि वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? वेरी गुड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक,
अब इसको आप इधर लेते आए तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आपको नहीं लगता कि इन दो में से दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फॉर्मेट बताए गए हैं उनमें से एक यहां पर लिखा हुआ है, तो अगर यहां लिखा हुआ है तो कौन सा फॉर्मेट है? डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, y की जगह पर y, p की वैल्यू माइनस एक्स, q की वैल्यू कितनी आएगी x। जैसे ही ये करते हैं उसके बाद क्या करना रहता है, फिर हमको आई एफ निकालना है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह पर माइनस x dx, e टू द पावर माइनस x dx, इसका समाकल क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वेयर बाई टू। ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, आई एफ। आई एफ को क्या बोलते हैं, पूरा नाम बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक, ठीक है। अच्छा, और ये एक ऐसा गुणक होता है जिसको अगर इस पूरी समीकरण में हम गुणा करवा दें तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो y इंटू जी एक्स का, y इंटू आई एफ का आपका क्या बन जाता है, पूरा अवकल गुणांक बन जाता है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा है, आपको नहीं याद है, 24 घंटे गुजर गए इसलिए आप भूल गए। चलिए अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, तो फिर y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। रखिए वैल्यू भाई y, व्हाट इज आई एफ, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू, q की जगह पर हमने लिख दिया x, आई एफ की जगह e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू डी एक्स प्लस सी। इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब बेटा हमको इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं, यहां जो आप एक्स स्क्वायर बाई टू देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, हम इसको टी मान सकते हैं, समझ आया? आप चाहो तो और इजी अगर बनाना चाहते हो तो माइनस वन माइनस टू से डिवाइड करो और माइनस टू से मल्टीप्लाई करो। देखो माइनस टू से माइनस टू कैंसिल कर दो, फिर वैसा ही का वैसा बन के आ जाएगा। नहीं समझ आया? हमने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या किया है, माइनस दो से भाग दिया, माइनस दो का गुणा किया, बस यही तो किया है हमने। अच्छा, अब इसके कैलकुलेशन के लिए माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू टी। वैसे हमें माइनस दो का भी नहीं करना चाहिए था, सिर्फ आप एक काम कर लो ऐसे, एक माइनस हमने यहां लगा लिया और एक माइनस ये आगे लगा हुआ है, आप जब चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पा सकते हैं, मिल जाएगा। अच्छा, इसको हमने माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को टी कर लिया, अब इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशियंट 2x अपॉन 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दो से दो कैंसल, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। रखिए e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये माइनस हमने लगा रहने दिया, यहां ध्यान से देखो, इसको देख रहे हैं आप, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, इसका काम खत्म। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये ई टू दी पावर टी हो गया, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू किसको माना था हमने, टी माना था। अब और ध्यान से देखिए, वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी
टू इज इक्वल टू माइनस बेटा e टू दी पावर t का इंटीग्रल आता है आपको, e टू दी पावर t होता है, तो e टू दी पावर t प्लस c y इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c। आप अगर y चाहते हो तो इससे उधर जाके भाग दिला दो बेटा, जब इसका इधर भाग दोगे तो ये और ये नंबर तो सेम है ना, ये इसको कैंसिल करके क्या बचा लेगा माइनस, और इसका इसे भाग दोगे एक बार में आ जाएगा प्लस। अब ये पूरी चीज c के अपॉन में आएगी, फिर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी प्लस c इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये आंसर आपका आ जाना चाहिए। देखो कितना आंसर आ रहा है भाई, आ गया। और अभी भी हमें कुछ शर्त है, अभी हमारा आंसर नहीं आया पूरा। हाँ, हमने C छोड़ दिया है, इसको आपको लिखना है भाई। अभी ये तो व्यापक हल आया है, अभी तो हमको ये शर्त लगानी है, तो इसको हम एक मान लेते हैं, लिखेंगे क्योंकि वक्र एक कहां है, ये इस बिंदु से गुजरता है, बिंदु 0.1 से गुजरता है, इसलिए यह बिंदु वक्र एक को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अच्छा कुछ सॉरी ये उधर गया है, तो ये C के साथ सॉल्यूशन होके आ गया था, ये C नहीं होना चाहिए। चलिए मेरी गलती से हो गया, माफ कीजिएगा। ये इसको जब उधर जाएगा तो यहां माइनस वन, और ये जब इसके साथ गया तो ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो मेरे मन में नहीं रहा और मैंने एक C और लगा दिया। वक्र एक बिंदु 0.1 से गुजरता है या बिंदु, इसलिए यह बिंदु वक्र एक को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कैसे करवाया जाता है, x की जगह 0, y की जगह 1 लिखना है, y की जगह पर क्या लिखना है 1 प्लस c e टू दी पावर x की जगह पर 0, जब आप 0 कर दोगे तो पूरे ही 0 हो जाएगा। e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर भेज देंगे, माइनस 1 जब इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 और प्लस 1 मिलके 2, और इधर क्या बचा c, c की ये वैल्यू हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। यहां लिखेंगे c का मान, समीकरण एक में रखने पर वक्र का अभीष्ट समीकरण क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू माइनस वन प्लस c की जगह पर 2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये अब हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं नहीं माइनस नहीं प्लस, y इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, और इस तरह से आपके एग्जाम्पल 23 एग्जाम्पल थे, आपने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए भाई हमसे। बेटा देखिए एक्सरसाइज 9.6 में फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मैं ऊपर लिखे इंस्ट्रक्शन को पढ़ देता हूं, लिखा हुआ है 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करिए, 1 नंबर से 12 नंबर तक के क्वेश्चन में आपको जनरल सोल्यूशन ही ज्ञात करने अवकल समीकरण के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डी डी एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, आपको नहीं लगता बेटा ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 19 की तरह से है। कैसे करेंगे, सबसे पहले
डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करना है। वाई की जगह पर वाई है, पी की जगह पर बोलो टू, क्यू की जगह पर कौन है, साइन एक्स है, ठीक है। इसके बाद अब हम यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी की जगह पर टू डी एक्स की जगह पर डी एक्स। बेटा दो तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स, तो यह आ जाएगा ई टू द पावर टू एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। वाई आई एफ की जगह पर e टू द पावर टू एक्स, क्यू की जगह पर हम लिखेंगे साइन एक्स, और आई एफ की जगह पर e टू द पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी। एक बार फिर से हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल एक साथ आ गए हैं, तो यहां पर भी हमको i लेकर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। y इंटू ई टू द पावर टू एक्स, इसको पूरे को हमने क्या मान लिया, i प्लस सी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हमने पहले i की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू आके इक्वेशन नंबर वन पे रखनी है। तो i हमने माना किसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स। प्रथम द्वितीय फलन यहां भी लगेगा, तो इसको हम प्रथम मान लेते हैं, इसको द्वितीय, या उसको प्रथम मान लो इसको द्वितीय मान लो, जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें दोनों से काम बन जाएगा आपका। फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या फॉर्मूला होता है, प्रथम फलन दूसरे का समाकल e टू द पावर टू एक्स का समाकल e टू द पावर टू एक्स अपॉन टू, एक्स के साथ दो गुणा में भाग में आएगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक साइन एक्स का अवकल गुणांक दूसरे का समाकल e टू द पावर टू एक्स बाई टू डी एक्स। अब i इज इक्वल टू यह आ गया वन बाई टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स माइनस ये वन बाई टू बउआ बाहर कर दो, अंदर रह जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स। इसमें भी फिर से प्रथम और द्वितीय मानकर कैलकुलेट कर लो, तो आई इज इक्वल टू वन बाई टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स साइन एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। अंदर फिर फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का। आप सभी जानते हो हम सॉल्व करते हैं प्रथम फलन दूसरे का समाकल e टू द पावर टू एक्स का समाकल e टू द पावर टू एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक कॉस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा माइनस साइन एक्स दूसरे का समाकल, तो ये e टू द पावर टू एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स ब्रैकेट बंद। और सॉल्व करिए इसको वन बाई टू साइन एक्स ई टू द पावर टू एक्स। बेटा इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी दो अपॉन में यहां भी दो अपॉन में माइनस वन बाई फोर कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स। फिर माइनस वन बाई टू को यहां करेंगे तो ये माइनस वन बाई टू और ये प्लस हो गया, फिर उस प्लस को ये वाला माइनस क्या कर देगा और माइनस वन बाई फोर कैसे वन बाई टू इसका और ये टू इसका एक बटे चार। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स, क्या आप इसको पहचानते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स को ही हमने आई माना, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स इसकी जगह पर हम आई लिख सकते हैं। एक काम करवा देते हैं, इसमें ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा दो बटे चार, और यहां साइन एक्स ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन बाई फोर कॉस एक्स ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर आई। नहीं समझ में आई? ये आई कैसे आई, ये समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब ये इधर लेते आओ, तो उधर वन बाई फोर आई है माइनस, इधर कैसा हो जाएगा? नहीं मालूम कैसा हो जाएगा, उधर माइनस है तो इधर आके प्लस नहीं हो जाएगा? इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों से देखो कुछ कॉमन कर सकते हो, e टू द पावर टू एक्स अपॉन फोर कॉमन कर सकते हैं, अंदर क्या बचेगा e टू द पावर फोर एक्स अपॉन फोर कॉमन लेने के बाद, टू साइन एक्स माइनस, इसमें भी ये कॉमन हो गया, कॉस एक्स। बस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फोर वन जार फोर, फोर और वन, फाइव अपॉन फोर आई। e टू द पावर टू एक्स अपॉन फोर, टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस फोर से हम ये फोर कैंसिल कर देते हैं, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e टू द पावर टू एक्स अपॉन फाइव, ब्रैकेट के अंदर है टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बउआ ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू। अब ये आई की वैल्यू हम कहां लिख देंगे, रख लेंगे आप, या हम रख के आपको करके दिखाएं। समीकरण एक से इस पे वाई इंटू ई टू द पावर टू एक्स, आई की जगह पर अब ये लिख देंगे ई टू द पावर टू एक्स अपॉन फाइव, टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आप ई टू द पावर टू एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो बेटा यहां भाग दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन फाइव प्लस सी। बेटा जब इसमें डिवाइड करोगे तो अपॉन में आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो e टू दी पावर माइनस टू एक्स, और ये हमारा आंसर बना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज 9.6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर टू। ओके, एक बार फिर से देखिए, ऑलरेडी किसी न किसी जनरल फॉर्म में ये है, कौन सी फॉर्म में है बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी, दिस विल बी थ्री, वाई की जगह पे वाई, पी की जगह पर थ्री, कॉन्स्टेंट है ना, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ई टू द पावर माइनस टू एक्स। वी हैव क्रॉस्ड अवर फर्स्ट स्टेप, एंड फॉर सेकेंड स्टेप आई विल हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी इज थ्री इंटू डी एक्स, थ्री इज कॉन्स्टेंट, एंड वॉट विल बी द इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, एक्स, वेरी गुड, ई टू द पावर थ्री एक्स, और ये क्या है, समाकलन गुणक। और अब आपने दूसरी स्टेप भी पार कर ली, आप बताइए क्या करना है हम लोगों को, सॉल्यूशन, बस वही बचा केवल, सॉल्यूशन वाई इंटू आई एफ, इस वाले फॉर्मेट का सॉल्यूशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो हमने वाई लिखा बेटा, और आई एफ की जगह पर
ए टू दी पावर थ्री एक्स, क्यू की जगह पर आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये ई टू दी पावर माइनस टू एक्स है और ये ई टू दी पावर थ्री एक्स है, गुणा करने पर घात का क्या होता है, जुड़ जाती है, तो माइनस टू एक्स और थ्री एक्स जुड़े के क्या बन जाएगी, ए टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, देन वाई इंटू ई टू दी पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ए टू दी पावर एक्स प्लस सी, अब इसको वहां भेज दो तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस c अपॉन e टू द पावर 3x, ये यहां भी आएगा यहां भी आएगा, गुणा में था तो भाग में आएगा ना, इसमें जब ऊपर जाएगा तो एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2x तो बचेंगी ना इसमें, e टू द पावर माइनस 2x प्लस c e टू द पावर माइनस 3x, दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, और इसमें क्योंकि हमने केवल व्यापक हल करना था आ गया व्यापक हल, बस यही हमारा आंसर है। ओके, थोड़ी देर रुक जाएं, क्वेश्चन नंबर थ्री भी कर देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया क्या अभी तक? वैसे 20 नंबर पे लगभग ऐसा ही था, उसमें बस 2 अपॉन एक्स था, यहां पर याद आया आपको एग्जाम्पल पे। चलिए कंपेयर करोगे बेटा किससे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करिए, y की जगह पर y है, p की जगह पर, वेरी गुड, 1 अपॉन x, q की जगह पर बताएं हमको x स्क्वेयर, जैसे ही आएगा उसके बाद क्या करना है, समाकलन गुणक e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह पर 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx का समाकल log x, इसकी वैल्यू x, आप अभी कई बार कर चुके हैं, ये सॉल्यूशन फॉर्मूला लगेगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस c, y इंटू आई एफ x इंटीग्रेशन ऑफ q एक्स स्क्वेयर इंटू आई एफ, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, देन इट विल बिकम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। आप एक काम करें, ये एक्स उधर भेज दीजिए, तो इधर गुणा में है भाग में जाएगा, एक्स से जब यहां भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी ना, फोर है तो कितनी हो जाएंगी, एक्स क्यूब अपॉन फोर प्लस सी अपॉन एक्स, ऊपर भेज देंगे तो सी एक्स टू दी पावर माइनस वन। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है।